अयोध्या के फैजाबाद बार एसोसिएशन की चुनाव की प्रक्रिया शुक्रवार से शुरू हो गई। फैजाबाद बार एसोसिएशन के रिटर्निंग ऑफिसर एवं निवर्तमान अध्यक्ष सुशील कुमार चौबे और एल्डर्स कमेटी के चेयरमैन श्रवण कुमार मिश्रा से मिली जानकारी के अनुसार 18 जुलाई तक नामांकन प्रक्रिया चलती रहेगी और आगामी 19 जुलाई को नामांकन पत्रों की जांच होगी। इसके बाद 20 जुलाई को पर्चा वापसी की प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी और आगामी 28 जुलाई को मतदान प्रक्रिया कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच संपन्न होगी। इसके बाद 29 जुलाई को परिणाम आने के बाद कई कार्यकारिणी का गठन होगा। वहीं नामांकन के अंतिम दिन संयुक्त मंत्री विवेक कुमार श्रीवास्तव ने भी नामांकन किया और बताएं कि संयुक्त मंत्री का पद बहुत जिम्मेदारी का पद है, अगर जीत हासिल तो पुस्तकालय का प्रभार दिया जाता और हमारा पुस्तकालय आदर्श पुस्तकालय बने। वहीं बार एसोसिएशन के कार्यकारिणी के लिए रामकिशोर यादव ने नामांकन किया और कहा कि मेरी प्रथम वरीयता अधिवक्ता साथियों के सम्मान के लिए होगी। बार एसोसिएशन अयोध्या में कार्यकारिणी पद भी के लिए नामांकन किया है। ये चुनाव वर्ष 2022-23 के लिए है। मेरी प्रथम वरीयता मेरे अधिवक्ता साथियों की सम्मान की होगी, जो मेरे लायक कार्य दिया जाएगा मैं उसको निर्वहन करूंगा सत्य निष्ठा से। और सबसे ज़्यादा जो व्यवस्था यहाँ बदहाल है, वादकारियों के लिए लघु शंका दीर्घ शंका, इसके लिए सबसे पूरी कचहरी में कहीं कोई व्यवस्था नहीं है, जिसमें यदि मैं विजयी हुआ तो अध्यक्ष जी के माध्यम से सफल बनाने का प्रयास करूंगा। अधिवक्ता भाइयों से मेरा निवेदन है कि मुझे अधिक से अधिक मतों से विजयी बनाए। रामकिशोर यादव 2022-23 मैं अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हूँ भैया, और ये चुनाव प्रचार बड़े हर प्रत्याशियों की तरफ से धुआंधार हो रहा है और सब जोर लगाए हुए हैं, देखिए क्या होता है। ये अधिवक्ताओं का हित सर्वोपरि रहेगा। क्या भाइयों, मैं ये निवेदन कर रहा हूँ कि हमको अपना बहुमूल्य वोट देकर भारी मतों से विजयी बनाओ। इंद्र प्रताप सिंह लल्ला। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।